का जो गाइस ड्रॉप लोकेशन है ना मलाड ईस्ट में, तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। टारगेट कंप्लीट, आज का भी टारगेट कंप्लीट। सो नमस्कार दोस्तों, मैं देखा आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब पे ब्लॉग में। और अभी गाइस सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन भाई अपना। सो नमस्कार दोस्तों, मैं देखा आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब पे ब्लॉग में। और गाइस अभी सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ भाई कस्टमर के पिकअप लोकेशन। गाइस सुबह सुबह मुझे प्राइवेट ट्रिप आ गया था वो देना, इसका जो पिकअप लोकेशन है गाइस जो डायमेंशन सेरेमिक है ना, जो मैं मार्बल्स वगैरह लेके जाता हूँ उनके पास ही मुझे जाना है। उनका ड्रॉप लोकेशन है फिल्म सिटी रोड पर ही है, गोरेगांव में ही है। तो फटाफट मैं पिकअप लोकेशन पर जाता हूँ, मटेरियल लोड करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। वैसे गाइस बताना थोड़ा तबीयत भी थोड़ा डाउन है, तो ज़्यादा मतलब बॉडी पूरा इचिंग हो रहा है मेरा पूरा रात भर से, तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा ट्रिप मार के भाई आज का दिन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चले मिलते हैं गाइस अभी पिकअप लोकेशन, ठीक है। तो है क्या, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो अभी पूरा गाड़ी में पूरा मटेरियल अभी लोड हो रहा है, तो बोलते हैं ना लगभग कुछ 12-13 टाइल्स मुझे लोड करना है और मुझे लेके जाना है बोनेटो में, वही अपना फिल्म सिटी रोड पे रेस्टोरेंट है बोनेटो, वहाँ पर मुझे लेके जाना है। तो लगभग यहाँ से मुझे अपना ड्रॉप लोकेशन है ना 2 किलोमीटर का भी नहीं है, तो फटाफट ये भाई ट्रिप कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है, फिर आपसे मिलता हूँ। सो फाइनल दोस्तों मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा गाइस पीछे पूरा वैनिटी मैन का पूरा प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, मतलब जो भी वैनिटी मैन जो भी आती है ना पूरी बोलते हैं ना यहाँ से पूरी मॉडिफाई होती है, तो उसके अंदर ही पूरा टाइल्स लगने वाला था ये सब जो मैं लेके गया ना। तो अभी मेरा ट्रिप तो हो चुका है कम्प्लीट और अभी मैं निकल रहा हूँ गाइस सीधा बैंक में, क्योंकि मुझे कॉल आ चुका है, क्योंकि गाइस मेरा जो मैंने बैंक अकाउंट बनाया था ना उसका ATM आ चुका है। तो वहाँ पे अभी क्या है गाइस, देखो अभी लेट हो ही गया, तो फिलहाल और थोड़ा लेट होने जाए तो जाने तो लेट मेरा ATM तो मिल जाएगा, तो ATM कलेक्ट करने जा रहा हूँ डिंडोशी में, अपना सरकारी बैंक है उसमें मेरा बैंक अकाउंट है, तो वहाँ पे जाता हूँ फटाफट ATM कलेक्ट करता हूँ। लगभग कुछ गाइस बोलते हैं ना 12 बज जाएगा, तो दिखते जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो फिर गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ गोरेगांव में माता मंदिर के इधर, तो यहाँ से निकलता अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पोर्टल कटे लॉग इन करता हूँ, और जैसे मुझे ट्रिप आएगा ना मैं आपको वैसे बता दूंगा उसका पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन, ठीक है। वैसे कैसे बोलते हैं ना अभी लगभग दोपहर के 12:25 हो रहे, तो ज़्यादा बैंक में ज़्यादा टाइम लग गया भाई, ATM कार्ड को वापस पूरा न्यू जो पासवर्ड था वो जनरेट किया, तो इसलिए टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं। और फिलहाल और गाइस मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ थोड़ा बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है, इसकी वजह से इचिंग ज़्यादा हो रही है, तो देखते भाई आज का दिन अपना कैसा जाता है, तो जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो फाइनली गाइस अभी मुझे आ चुका है बॉर्डर पे ट्रिप, और गाइस आपको टाइम बता दूंगा ना भाई आप भी हैरान हो जाओगे, लगभग है ना गाइस 2:30 हो रहे, सोचो गाइस अभी ट्रिप मुझे मिल रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन, गोरेगांव स्टेशन के पास ही है, और गाइस अपना जो ड्रॉप लोकेशन है दहीसर में, तो बोलते हैं ना गाइस इतना वेट करने के बाद सोचो ट्रिप आ रहा है। और भाई आज बहुत लोग रो रहे भाई, सच्ची में किसको ट्रिप नहीं है, तो क्या ही बोले यार, होता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी गाइस मैं जाता हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन, ठीक है, फिर आपसे मिलता हूँ। सो है गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये फेमिकोल का डब्बा है, लगभग है ना गाइस 6 डब्बे मुझे लेके जाने दहीसर में, तो फटाफट गाइस अभी मैं निकलता हूँ अपने ड्रॉप लोकेशन। सो है गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ भाई दहीसर टोल नाका है ना, उसके पहले अपने को राइट मारना है, राइट मार के तुरंत यू टर्न है, वहाँ पे लेफ्ट में अपना ड्रॉप लोकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस लगभग है ना गाइस कुछ 20 मिनट मुझे लग गया भाई यहाँ पे आने के लिए, पूरा रूट खाली था। सो फाइनली गाइस मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट, और गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ भाई वापस एक पिकअप लोकेशन पे, क्योंकि गाइस मुझे वापस एक ट्रिप आ चुका है पोर्टर पर, तो इसका जो पिकअप लोकेशन है ना डायमंड इंडस्ट्री में ही है, और गाइस इसका जो ड्रॉप लोकेशन है अंधेरी ईस्ट में। तो बताओ गाइस क्या लक है यार मेरा, मतलब पहले तो ट्रिप नहीं था लेकिन अभी भाई बैक टू बैक ट्रिप है अपना पोर्टर पर। तो अभी फिलहाल अभी जाता हूँ गाइस वापस, मैं इंडस्ट्री के बाहर ही आ गया था, मैं सोचा आगे जाके गाड़ी भाई खड़ी कर दूंगा, तो वापस मैं अंदर जाता हूँ फिर देखता हूँ भाई गाड़ी नंबर जो भी रहेगा जाऊँगा वहाँ पे, फटाफट भाई मटेरियल लोड कर लेता हूँ, लोड कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। 2 गुनी 3 गुनी टोटल 5 गुनी है ना, 5 गुनी चार लोड हो चुका है अभी बाकी है, तो गाइस 5 गुनी लोड हो चुका है।
सोफी गैस अभी मटेरियल पूरा लोड हो चुका है लगभग गैस कुछ 5 गोनी मुझे सिर्फ लेके जाना है भाई अंधेरी में ईस्ट में मुझे जाना है ईस्ट में जाना है अंधेरी ईस्ट में गुंडोली में तो फटाफट भाई ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचता हूँ ठीक है। अब तक गैस है ना सिर्फ मेरा 2 ट्रिप हुआ है और एक प्राइवेट ट्रिप हुआ है तो अच्छा खासा अमाउंट हो चुका है लगभग देखते हैं और एक ट्रिप मारने का ट्राई करेंगे ठीक है। थोड़ा और हालत भी मेरी और थोड़ी बेकार होती जा रही है तो कोई बात नहीं थोड़ा झेल लेंगे लेकिन थोड़ा एक टारगेट एक साइड किया हो वो थोड़ा कंप्लीट करके फिर देखते जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा बता दूंगा ठीक है। सो फाइनली गाइस मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट और गाइस जैसे कि आप पीछे देख सकते हो टूट ली ट्रॉली भाई ट्रॉली लेके जा रहे ना वही अपना मटेरियल लेके जा रहे 5 गोनी तो गाइस बोलते ना और एक गुड न्यूज है तो मुझे आ चुका है प्राइवेट ट्रिप तो जो कि मुझे जाना पड़ेगा भाई 7:30 बजे कांदिवली में तो वही अपना जो कांदिवली जो लोखंडवाला सर्कल है वहां से मैं पिकअप करता हूँ हमेशा और गाइस मेरा जो ड्रॉप लोकेशन हमेशा रहता है भाई गोरेगांव का DTDC में तो 7:30 बजे लगभग अभी गाइस अभी शाम के लगभग 5 बज चुके तो एक ट्रिप देखते हैं इधर मार लेते हैं छोटा मोटा फिर वहां सीधा निकल जाएंगे भाई कांदिवली ठीक है। फिर जो भी रहेगा आपको पूरा ब्लॉग में पूरा बता दूंगा शेयर कर दूंगा तो फिलहाल गाइस पूरा ब्लॉग एंड तक देखते रहो ठीक है। तो मतलब आज का भी टारगेट जो मैंने सेट किया था ना भाई कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा मैंने कितना टारगेट सेट किया था तो फिलहाल मैं सुबह भाई बोलने के लिए भूल गया था तो देखते हैं आपको पूरा लास्ट में अमाउंट पूरा शो कर दूंगा ठीक है। तो हे गाइस मुझे आ चुका है बॉर्डर पे ट्रिप और गाइस जिस लोकेशन पे था ना ड्रॉप लोकेशन पे उसके अपोजिट साइड में बिल्डिंग है तो वहाँ पे मेरा पिकअप लोकेशन है और गाइस मेरा जो ड्रॉप लोकेशन है ना विक्रोली में तो चले चलते गाइस अभी सब पिकअप लोकेशन पे जाता हूँ फटाफट मटेरियल लोड करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ ठीक है। सो हे गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन विक्रोली में तो मैंने मटेरियल अभी लोड कर लिया हूँ फिर एक ही बॉक्स मुझे लेके जाना है बस वो मैं आपको ना गाइस ड्रॉप लोकेशन पे बता दूंगा कितना छोटा बॉक्स है वो ठीक है। तो फिलहाल अभी गाइस चलते सीधा अपने ड्रॉप लोकेशन ठीक है। ट्रिप कंप्लीट सो हे गाइस फाइनली मेरा ट्रिप हो चुका है कंप्लीट और अभी गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा विक्रोली सूर्य नगर में ठीक है ना गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से ट्रिप मुझे मिल जाएगा तो देखते थोड़ा वेट करते हैं। और गाइस मैंने आपको बताया था ना कि मेरा प्राइवेट ट्रिप है 7:30 बजे का गाइस अभी 7 बज गए और मैं अभी विक्रोली में हूँ तो मैं उनको फोन करके बोल देता हूँ भाई एक काम करो किसी और को फोन कर दो नहीं तो देखता हूँ भाई मेरे कॉन्टेक्ट में जो रहेगा उसको मैं ट्रिप दे दूंगा ठीक है। फिलहाल अभी देखता हूँ भाई सूर्यनगर में जाता हूँ यहाँ से लगभग कुछ 1 किलोमीटर का डिफरेंस है सूर्यनगर में और अभी मैं आया था भाई गोदरेज 2 नंबर में आया था मतलब ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ना वहाँ से आना पड़ता है तो अभी देखते भाई वहाँ ट्रिप मिला तो अपने लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और टारगेट तो भाई अपना बोलते हैं जितना रखा था मैंने उतना तो टूट चुका है आपको लास्ट में बताऊंगा ठीक है। फिलहाल अभी जाता हूँ भाई अपने लोकेशन पे ठीक है। तो हे गाइस मुझे आ चुका है बोल रहे ट्रिप और अभी गाइस लगभग है ना 7:40 हो चुके हैं तो मैं जा रहा हूँ अभी कस्टमर के पिकअप लोकेशन सूर्यनगर में विक्रोली में मैंने आपको बोला था ना गाइस मुझे वहाँ से रिटर्न ट्रिप मिल सकता है गाइस मिल गया ट्रिप भाई लग बाय चांस इसका जो गाइस ड्रॉप लोकेशन है ना मलाड ईस्ट में तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया टारगेट कंप्लीट आज का भी टारगेट कंप्लीट सोचा नहीं था उतना हो जाएगा क्योंकि देखो गाइस 1 बजे के बाद मुझे ट्रिप आया तभी भाई मेरा टारगेट अपना कंप्लीट हो चुका है बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल अभी जाता हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन फटाफट मटेरियल लोड करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ ठीक है। तो हे गाइस अभी मैं आ चुका हूँ गोरेगांव में और अभी गाइस है ना 8:40 हो चुके हैं सोचो गाइस मतलब आरेगा रोड फुल खाली था तो अच्छा हुआ भाई नहीं तो वहाँ पे भी ट्रैफिक रहता ना आज तो भाई मेरी बुरी हालत हो जाती। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो देखो राइट में ओबरे मॉल है तो मुझे यहाँ से बस लगभग है ना गाइस मेरा ड्रॉप लोकेशन है यहाँ से लगभग 1.6 किलोमीटर का मेरा ड्रॉप लोकेशन बचा है तो फटाफट जाता हूँ ड्रॉप लोकेशन पे और मटेरियल आपको दिखा देता हूँ कौन सा मटेरियल है ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो इतना मटेरियल मुझे लेके आना था मलाड ईस्ट में तो अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन जैसे कि आप देख सकते हो सेंट्रल प्लाजा के इधर तो फटाफट मैं मटेरियल अनलोड कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ ठीक है। तो हे गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पार्किंग में और अभी गाइस लगभग है ना 9:15 हो चुके
तो गाइस बोलते हैं ना कि टारगेट कंप्लीट करने के लिए देखो भाई कितना मेहनत करना पड़ता है। तो जो भी गाइस व्लॉग देखता रहेगा उसको लगता रहेगा कि अब भाई देखो ये 2100-2200 रुपये कमा रहा है। तो भाई ये बोलते हैं ना इतना कमाने के चक्कर में ना भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो चलाता ना गाड़ी उसको भी पता चलता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा देख के भाई गाड़ी वीडियो लो मत, नहीं तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। तो ये फील्ड में मैं कम से कम है ना गाइस 3.5 साल हो गया ये फील्ड में हूँ। तो ये फील्ड को अभी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये ब्लॉग के थ्रू सबको बताते रहता हूँ। यही मतलब अच्छा लगता है यार, मतलब मेरी वजह से यार किसको मतलब बोलते ना दो चार पैसे ज़्यादा मिले, उनके फैमिली जब खुश हो तो अच्छा लगता है। तो जब से गाइस मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया ना तब से थोड़ा मेरा इनकम थोड़ा लो हो चुका है, क्योंकि देखो ब्लॉग भी बनाना है प्लस किसका कॉल है वो भी अटेंड करो, फिर उनको समझाओ कौन सा गाड़ी लो कौन सा गाड़ी मत लो। तो चलता है मतलब मेरी वजह से मतलब सामने वाले का जब अच्छा हो रहा है और उनके फैमिली का अच्छा हो रहा है तो भाई मैं इतना तो झेल सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल गाइस अभी मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा मैं बोल नहीं चाहता ना तो ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो तभी मैंने भाई टारगेट में मैं सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखो 1 बजे तक मेरे को एक भी ट्रिप था नहीं। 1 बजे के बाद जो भाई पूरा पोर्टर ने जो भाई चक्कर घुमाया ना मेरे को यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, तो मैंने सिर्फ 1500 सोचा था गाइस। तो आपको बता दे तो मेरा कितना अर्निंग हो चुका है। तो जैसे कि गाइस देखो स्क्रीनशॉट देख लो 1851 रुपये सिर्फ गाइस पोर्टर से मेरा हुआ है। तो समझ जाओ भाई कितना मेरा इनकम हो चुका है। और गाइस जो मैंने सुबह जो प्राइवेट ट्रिप मारा ना उनसे मैंने 300 रुपये चार्ज किए, मतलब गाइस टोटल मिला के ना 2150 रुपये का अपना अर्निंग हो चुका है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है गाइस, मतलब इतना मेहनत करके अपना टारगेट जब अचीव होता है ना तो बहुत मतलब दिल को बहुत खुशी मिलती है। और घर जाने के लिए ना भाई बहुत मतलब फ्रीली माइंड हो जाता है। तो मेरा तो अभी फ्रीली माइंड नहीं है, क्योंकि देखो जाके खाना खाना है भाई, सबसे पहले नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा फिर वापस मैं एडिटिंग है 2 बजे तक, फिर वापस वही सुबह अपना काम वही है। तो फिलहाल अभी गाइस ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन दबा दो जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।